अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे इसमें तो वो बच्चा गिराने की रजामंदी की बात का जिक्र तक नहीं है। बड़ी तोप बन के गई थी ना दोनों। रौब दिखा के गई थी, शेरनी बन के भीगी बिल्ली बन के लौट आई, और इस बेहुदा कागज पर दस्तखत करके लाई, और 50 लाख, कितनी बड़ी रकम होती है गुलनास, अकल है तुम्हें? इतनी बड़ी रकम कौन देगा उस कमबख्त को? सारा वक्त बर्बाद करके आई है दोनों। दौरा पड़ गया है क्या? पागल हो गई हो? हंस क्यों रही हो? क्या हुआ? गुलनाज वैसे तुम बिल्कुल सही कहती हो हिना बेगम के बारे में, है ना आपा? क्या हिना, तुम ना अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करती हो कभी भी। और शायद यही वजह है कि वो मनहूस गजल चम के तुम्हारा फायदा उठाती है। हाँ, मुझे जलील किए बिना कोई बात कर सकते हैं हम? अरे बताओ ना क्या मतलब है, हंस क्यों रही हो? मतलब ये है बाजी कि आपके भेजे में खुदा ने भेजा थोड़ा कम भेजा है। गुलनाज एक मिनट बताती हूँ ना बाजी, एक मिनट। अरे क्या कर रही हो? एक मिनट। ये जो कागज आपने पढ़ा है ना, ये जाली है। जाली? असली कागज ये है। इसे पढ़िए और फिर बताइए कि आपको क्या समझ में आया। बोलो, पढ़िए। मैं गजल अख्तर अपने पूरे होशो हवास में ये कबूल करती हूँ, मैं अपना अबॉर्शन अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैंने ये बच्चा गैर कानूनी तरीके से IVF के जरिए पैदा करने की कोशिश की थी। और इसका मकसद अख्तर खानदान से बदला लेना था, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। माशाल्लाह कमाल कर दिखाया तुम दोनों ने, और मैं इसकी भरपाई करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपना बच्चा जाया कर दूंगी। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।